अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी कल का क्लास थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। तो हमने पढ़ा था इसका जो पहला चैप्टर है वो फंक्शन और लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक आता है वो फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन देखिए, आप किसी मशीन को भी एक फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन एक लॉ है। जिस तरह आपने एवोगाड्रोस लॉ को देखा होगा केमिस्ट्री में, जो है एवोगाड्रोस लॉ में तीन तरीकों से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, फिर उसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखते हैं, और फिर उसका ग्राफिकली ग्राफ के जरिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि कोई भी आपसे कोई सवाल करे कि व्हाट इज अ फंक्शन, तो आपने सिर्फ यही कहना होगा कि फंक्शन एक ला है। अब देखिए फंक्शन में और मजीद क्या आता है। देखिए फंक्शन की यह हासियत है कि जब आप इसको एक इनपुट देंगे तो वो आपको एक ही आउटपुट देगा। अगर कोई फंक्शन आपसे कोई पूछे कि अगर एक फंक्शन को मैंने एक इनपुट दिया और उसने दो आउटपुट दी, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये फंक्शन नहीं है। देखिए इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ये आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। देखिए अब अगर हमने इसको, हमारे पास 2x हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, अगर x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, मतलब इसका क्या है। देखिए अगर देखिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए अगर हमने इस x की जगह 2 पुट कर दिया तो देखिए क्या होता है, पुट 2, ठीक है, f ऑफ 2 हमारे पास होगा 2 × 2, तो ये हमारे पास 4। देखिए ये फंक्शन है, हमने क्या दिया, एक इनपुट दिया। इनपुट का मतलब है कि ये एक मशीन है, आप इसको एक मशीन कंसिडर करें, इसको एक मशीन कंसिडर करें, और ये वो इनपुट है जो हमने मशीन को दिया, इसने आउटपुट दिया हमारे पास 4। तो ये देखिए अब ये इसमें डोमेन और रेंज क्या है। देखिए जो वैल्यू हम मशीन को देते हैं वो उसका डोमेन होगा, और मशीन जो वैल्यू हमको देगी वो उसका रेंज होगा। तो सिंपली बात है, ये हमारे पास डोमेन है और इसका रेंज है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में, और सेकंड ईयर का जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो देखिए अब आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। देखिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं थोड़ा। अच्छा एक्सरसाइज है इसका 1.1, जो कि मैं टॉपिक भी करवाऊंगा साथ में एक्सरसाइज भी कराऊंगा, इस तरह के टॉपिक भी होंगे और एक्सरसाइज भी साथ में खत्म होंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ना, 9 को, अच्छा जी, अच्छा 9 को देखिए। देखिए अब 9 में क्या है, 9 में आपको बताया गया है कि आप इसके सिर्फ ये आप हमको ये बताएं कि इसमें फंक्शन कौन सा है, और कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में जो पहला जो दिया है कि देखिए ये आप देख सकते हैं, 3 हमारे पास डोमेन है, डोमेन वो होता है जो हम देते हैं, और इसने रेंज दिया है 0 5 को, हमने 5 हमने डोमेन दिया, जो वीडियो हम देते हैं, और रेंज दिया, आंसर दिया, मतलब 1 7 दिया, 2 दिया, ठीक है। तो इट्स अ फंक्शन, बिकॉज इसकी वजह ये है कि देखिए हमने डोमेन दिया 3, तो इसने एक ही आंसर दिया सिर्फ और सिर्फ 0, मतलब जो वैल्यू हम देते हैं वो उसका डोमेन होगा, मशीन जो वैल्यू हमको देगी वो उसका रेंज होगा। तो डोमेन हमारे पास क्या हुआ, डोमेन हमारे पास 3 हुआ और रेंज हमारे पास हुआ 0, ठीक है। तो ये फंक्शन है, जो पहला ए वाला है ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है, ठीक है। अब तीसरे को देखे, तीसरा फंक्शन नहीं है। देखिए वो किस तरह, हमने दिया इसको 3, डोमेन मतलब 3 हमने दिया, इसने हमको 3 पर 2 आंसर दिए, 5 भी दिया और 6 भी दिया, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। देखिए मैंने बताया था कि इस तरह का पॉसिबल नहीं है कि आपने डोमेन दिया और उन्होंने रेंज 2 दिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये जो तीसरा वाला है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अच्छा ये 10 वाला क्वेश्चन ग्राफ की है, तो मैं डिस्कस करूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आप डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इसमें क्या गया है कि आप इसका डोमेन और रेंज मालूम करें, तो इंतहाई आसान। डोमेन वो होता है कि जो वीडियो हम मशीन को देंगे, और रेंज वो होता है कि वो मशीन जो वीडियो हमको देता है, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या है, इसकी आल रियल नंबर है। उसकी वजह ये कि देखिए अगर हम इसके साथ जो भी नंबर आप पुट कर लें, जो भी आपकी मर्जी आप पुट कर दी, वो हमको ज़रूर कोई ना कोई आंसर देगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो उसका ऑल रियल नंबर होगा। इस तरह इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं 12 पर नहीं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि इसका डोमेन बताए और इसका रेंज बताए। तो आपने सिर्फ इतना लिखना होगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें डोमेन हमारे पास, अच्छा तो ये हो गया।
अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर वन को देखिए. अब यहाँ पर बताया गया कि आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू हमारे पास क्या है. तो देखिए, हमारे पास पी इज इक्वल टू 64 डी. ठीक है, तो हमारे पास जो डी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और पी हमारे पास डिपेंडेंट है. इस तरह इसमें देखें ना, 9/5 c + 32, तो ये हमारे पास सी क्या है, सी इंडिपेंडेंट है और जो एफ है वो डिपेंडेंट है. ठीक है, इस तरह ये भी जो मतलब जो इक्वल की साइड होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, जो इक्वल की दूसरी साइड होती है जो पहला होता है, मतलब राइट हैंड साइड में हमेशा हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिपेंडेंट होता है. ठीक है, अच्छा अब इवेलुएट द फॉलोइंग फंक्शन, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड वैल्यू. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर टू को देखिए. जो लोग क्वेश्चन नंबर टू को सीखना चाहते हैं वो एक्सरसाइज जो फर्स्ट ईयर का मैथ्स है वो 8.1 में ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन है. देखिए, अब देखिए हमको एक फंक्शन दिया गया है. देखिए, मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ पहले कि फंक्शन क्या है, कि f of x इज इक्वल टू 3x² + 7x - 5. ये हमारे पास एक फंक्शन है. ठीक है, अब हमको बताया गया है कि रिक्वायर्ड फाइंड करना होगा. फाइंड क्या करना होगा, देखिए बताया है कि f ऑफ 3 फाइंड कर ले, ठीक है फाइंड कर लेंगे. अच्छा, f ऑफ -4 फाइंड कर ले, फाइंड कर लेंगे. अच्छा, f ऑफ क्या है, f ऑफ a + h, ये फाइंड कर, ठीक है ये हमको गिवन है. देखिए f ऑफ 3 का क्या मतलब है, देखिए अब आपने करना क्या होगा कि इस फंक्शन में, जिस फंक्शन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक है, अब इसमें आपने f ऑफ 3 मतलब x की जगह आपने 3 फुट करना होगा. ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में भी है. अब देखिए, अब अगर f ऑफ x का मतलब क्या है, देखिए अब यहां पर इसमें क्या करें, x की जगह क्या फुट करें, 3 फुट करें, तो x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7x हमारे पास 7 × 3 हो जाएगा और 5. तो ये हमारे पास इंतहाई आसान है. हाँ बिल्कुल. अच्छा देखिए, मैं इसका पहला पार्ट कर लेता हूँ. ठीक है, क्या है, देखिए सॉल्यूशन. अब देखिए यहां पर हम लेंगे f ऑफ, ये मैंने पहला वाला f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 3 - 5. ठीक है, f ऑफ 3 इक्वल टू 3, और 3 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो 9 हो जाएगा, अब प्लस 7 3 मेरे यहाँ से 21 और माइनस 5. अब इसकी आप मल्टीप्लिकेशन कर लें. अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा 27 + 21 - 5. ठीक है, अच्छा 27 प्लस, अच्छा क्या है, 27 + 21 - 5, तो ये हमारे पास 43, f ऑफ 3, ये हमारे पास का आंसर हो गया. अब इसी तरह देखिए ना, इस तरह f ऑफ -4 ये भी आपने फाइंड करना होगा. मतलब क्या है कि x की जगह आप -4 पुट करें और इस तरह x की जगह a + h पुट कर लें, तो ये बहुत ही आसान है, मतलब ये आप आपने करने होंगे. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं. आगे ये जो पहले 3-4 क्वेश्चन है इसी तरह है. ठीक है ना, अब दूसरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखिए. एक यहाँ पर दिया है कि f ऑफ t इज इक्वल टू t + 5 / t - 3. ठीक है, तो देखिए f ऑफ 2 मालूम करें, f ऑफ 7.4 मालूम करें, f ऑफ -3.7 मालूम करें. तो क्या है कि t की जगह आप सबसे पहले 2 पुट करें, फिर यहाँ पर f ऑफ 7.4 मतलब कि t की जगह 7.4 और -7.3 पुट करें. ठीक है, तो इसकी 3 पार्ट इसमें भी है. अच्छा, फिर नीचे आ जाएगा जो सी नंबर है, इसमें भी यही है कि gr इज इक्वल टू r² - r + 6 / r - 3. ये हमारे पास क्वेश्चन है और बताया गया है कि g ऑफ 2 मालूम करें. g ऑफ 2 मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, कि g 2, तो 2 का मतलब है ये r है, मतलब आप g अपनी जगह, ठीक है, अब 2 पुट करो कहां पर, r की जगह, जहां भी r आपको दिखाई दे वहां पर 2 पुट करें. ठीक है, अब g ऑफ 3 मालूम करें, मतलब r की जगह 3 पुट करें, और g ऑफ 3.3/8 मालूम करें, तो ये वैल्यू आपने पुट करनी होगी. ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो बेशक आप हमको कमेंट करें, हम ये क्वेश्चन आपके लिए करेंगे. लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, जिन्होंने एक्सरसाइज 8.1 जो फर्स्ट ईयर का कोर्स था, जो कि पेज नंबर 40
246 का इस तरह का कुछ पेज है उसका, वो आप देख ले। आपने अगर वो भी किए हो तो आपको क्लियर है इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है वो हमको पता है, 2πr². देखिए अब इसकी जगह आपने क्या करना होगा, देखिए हमको दिया गया है कि सी आर इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या गिवन है, देखिए सी आर इज इक्वल टू 2πr² नहीं 2πr क्या हुआ है, अच्छा अच्छा तो हमारे पास सी आर इज इक्वल टू पाई आर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए हमको बताया गया है कि आप इस तरह कर ले, सी मालूम करें, रिक्वायर्ड क्या है, देखिए फाइंड हमने क्या करना होगा, फाइंड हमने करना होगा कि सी और 2.34 इंच, ये आपने फाइंड करना होगा, सी और 6.41 ये मीटर आपने ये फाइंड करना होगा। तो ये तीन है मेरे, दो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखें क्या है कि आपको जहां पर भी सी आर, मतलब ये आप देखें हमारे पास ये है ना कि ये सी आर इज इक्वल टू पाई आर, अब जहां पर आपको आर दिखाई देना तो इसकी जगह आप 2.34 इंच, मतलब 2.34 आपने यहां पर ऐड करना होगा। इस तरह ये जो दूसरा पार्ट है इसका, अब आर की जगह आपने 6.41 मीटर आपने इसको पुट करना होगा। देखिए अब क्या है, मतलब तरीका क्या होगा, देखिए इसका तरीका बताता चलूं। देखिए सी आर, आप दोबारा क्वेश्चन लिखे सी आर इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है। अच्छा सी क्या मालूम करना है, ये पहले वाला मैं ये वाला पार्ट करता हूं, सी मालूम करो सी के साथ, मतलब आर की जगह आप 2.34 पुट करो और इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू 3.14 है और आर की वैल्यू हमको गिवन है क्या है वो 2.34, ठीक है। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर ले कंप्यूटर पर करें क्योंकि इसमें पॉइंट है। अच्छा 2 × 3.14 × 2.34 तो इसका 14.69, ठीक है 14, तो इसका आंसर जो होगा 14.69 इंच, ठीक है। ये सी और 2.34, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह जो दूसरा पार्ट है, आपने आर की जगह क्या पुट करना होगा, 6.41 इसको पुट करना होगा। तो मतलब ये इंतहाई आसानी ही आपने करने होंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बेशक आपको, मतलब जो भी आसान है आसान क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर मसला हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का, रेडियस जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। कोई अक्सर पूछता है कि अगर पाई आर स्क्वायर, अगर आर को हम नेगेटिव ले लें, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अब एरिया ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला है, ए आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, सर्कमफेरेंस का 2πr है लेकिन एरिया ऑफ द सर्कल का पाई आर स्क्वायर है। देखिए अब यहाँ पर कहा गया कि आप पुट कर ले आर की जगह आप 2.34, दिखाई आसान है इस तरह क्वेश्चन है जिस तरह ऊपर मैंने किए है, 6.41 को पुट करें और 5/11 को पुट करें, ठीक है। अच्छा फिर टोटल सर्फेस ऑफ द एरिया ऑफ द क्यूब, अच्छा क्यूब का फॉर्मूला है एफ एस इज इक्वल टू 6s², ये क्यूब का फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू 6x². तो अब यहाँ पर बताया गया है कि f ऑफ s, मतलब f ऑफ 3.75 मालूम करें, 6.05 मालूम करें और 13.42 मालूम करें, मतलब क्या हुआ कि आप s की जगह पुट करें 3.75, s की जगह आप पुट करें 6. इसी क्वेश्चन में ना देखें ना जिस तरह मैंने इससे पहले किया यार। अब देखें इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 5 को एक पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या है कि f ऑफ x क्यूब का फॉर्मूला f ऑफ s इज इक्वल टू 6s², तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है कि f ऑफ क्या मालूम करें 3.75 आप इसको फाइंड करें, ठीक है। आपने इसको फाइंड करना होगा, तीन दी गई है मैंने एक ही पार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ना आपने क्या करना होगा कि देखिए सॉल्यूशन देखिए अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, देखिए आपने f ऑफ s, मतलब f तो है, अब s की जगह आपने 3.75 पुट करना है, देखिए ना नाउ f ऑफ 3.75 इज इक्वल टू 6 और s s की जगह क्या पुट करना है 3.75 इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा f ऑफ 3.75
इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए आप इस तरह कर ले कि 3.75 का आप स्क्वायर ले, 3.75 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसे हमारे पास आएगा 14.0, अच्छा 6 को मल्टीप्लाई कर लो और 14.06, ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 6, अच्छा इसका आंसर जो होता है वो क्या है 84.375, अच्छा एफ ऑफ किसकी आंसर है 3.75, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए जिस तरह मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया उसी तरह क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल इंतहाई ही सेम और इंतहाई ही आसान है एक्सरसाइज। देखिए इसका जो सेकंड की जो अच्छी बात है वो ये है कि आपकी इसकी एक्सरसाइज है वो इंतहाई आसान होगी, एक्सरसाइज में इसमें कुछ नहीं होगा लेकिन इसकी जो थ्योरी होगी वो इंतहाई टफ होगी, ठीक है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं, तैयारी कर में आप, अच्छा अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। अब क्या है कि एंगल, अच्छा रेडियस, अच्छा ये भी उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह 5, 4, 3 और 2 किया, इस तरह क्वेश्चन है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा। अच्छा अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखना होगा कि देखिए इस आर, देखिए हमको फार्मूला जो दिया है कि थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या है कि थीटा, ये हमारे पास एफ ऑफ एस आर इज इक्वल टू एस बाय आर, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। और मालूम करना होगा एफ ऑफ 3.71, पहला पार्ट में कर लेता हूँ कामा 3, देखिए तो देखिए अब हमको किस तरह पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखिए ये हमारे पास डोमेन, देखिए आपने एस, आपको किस तरह पता चलेगा कि एस की जगह हमने क्या पुट करना होगा और आर की जगह हमने क्या पुट करना होगा। तो ये पहला वाला एस का होगा और ये दूसरा वाला आर का होगा, मतलब एस की जगह आपने पुट करना होगा 3.71 और आर की जगह आपने पुट करना होगा 3। तो ये आप इंतहाई आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप थीटा इज इक्वल टू एफ, एस की जगह क्या पुट करें 3.71 और आर की जगह 3 पुट करें, यहाँ भी कर ले डिवाइड कर ले आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं, अच्छा आगे क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, इसमें भी 3 पार्ट्स है, आप 2 पार्ट्स इसमें वो भी आप कर लेंगे। अच्छा अब इफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको थोड़ी थ्योरी देखनी होगी। देखिए अब थ्योरी में यहाँ पर, यहाँ से हम थोड़ी थ्योरी को चल इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अच्छा किसी भी ग्राफ का हम किस तरह मालूम करेंगे कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, डोमेन ग्राफ के जरिए बताया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देखिए ग्राफ के जरिए डोमेन और रेंज को किस तरह फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकली फॉर्म को, मैंने इससे पहले भी आपको बताया यही, फिर भी इसी एग्जाम्पल को आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह सबसे पहले मैथमेटिकली फॉर्म से इसको किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1/x-2, ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, ठीक है, अच्छा वाई इज इक्वल टू 1/x-2, ये बुक में गिवन है। देखिए अब इसका जो डोमेन होगा, देखिए डोमेन जो हमारे पास होगा, देखिए डोमेन हमारे पास होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है, लेकिन किस चीज के अलावा, आप 2 के अलावा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप यहां पर 2 पुट करेंगे लेकिन जब 2-2 करेंगे तो 1/2, तो ये हमारे पास जब 2 डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है आंसर डिनोमिनेटर वुड बी 0, डिविजन 0, अनडिफाइंड, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए देखिए मैंने भी देखिए एरर दे रहा है ना, 1/ जब आप 0 कर लेते हैं, क्या है मैथमेटिकल एरर, मतलब ये हमारे पास फंक्शन में शामिल नहीं है। देखिए हमको एक मशीन दिया गया है, आपको कह रहा है कि इस मशीन में आप फुटिंग करें, लेकिन फुटिंग करें लेकिन ऐसी वैल्यू फुट करें कि वो आपको आंसर दे दे, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर 2 फुट करेंगे तो ये हमको आंसर नहीं देता, तो इसलिए ये इसके डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको तमाम नंबर दे सकते हैं लेकिन 2 नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि 2 पे ये आंसर नहीं देता। अच्छा अब रेंज का फाइंड करने का तरीका, नाउ टू फाइंड रेंज, अच्छा रेंज का जो तरीका है वो क्या था, अब देखिए रेंज का तो तरीका था, मैंने कहा था कि हमने सबसे पहले इक्वेशन में से x को फाइंड करना होगा, देखिए y, देखिए मैं यहां पे दोबारा देखिए, अब देखिए y इज इक्वल टू 1/x-2, ठीक है, अच्छा x-2 y इज इक्वल टू 1, इसको मैंने इस साइड शिफ्ट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, xy-2y इज इक्वल टू 1,
ठीक है, इस माइनस टू वाई को उस साइड मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि मैं एक्स फाइंड कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वाई, क्योंकि माइनस से जब इस साइड हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा इसको डिवाइड कर दो वाई पर, इसको भी डिवाइड कर दो वाई पर, ये वाई और ये वाई कट जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू वाई डिवाइड बाई वाई। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि इस फंक्शन का रेंज मालूम करो। देखो डोमेन का तरीका तो वही है कि आप उसी क्वेश्चन को देख ले और आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन रेंज का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपने एक्स फाइंड करना होगा, आफ्टर द एक्स जब आप एक्स फाइंड कर ले आप यहां पर कुछ डिसीजन लेंगे कि इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए अब थोड़ा सोचना होगा यहां पर कि देखिए हम इसको ऑल रियल नंबर, इसका रेंज जो होगा वो है ऑल रियल नंबर, लेकिन इसको हम नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? जीरो नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि देखिए अगर वाई की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो देखिए वन प्लस टू जीरो तो जीरो हो जाएगा, वन डिवाइड बाई जीरो, वही मसला। मैथमेटिकली एरर दे रहा है, मतलब अनडिफाइंड दे रहा है। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन गिवन है, ये वाला फंक्शन अगर हम इसको जीरो देंगे तो ये हमको आंसर नहीं देगा। तो अगर ये फंक्शन हमको आंसर नहीं देता तो हम इसको किस तरह फंक्शन कह सकते हैं? फंक्शन की हैसियत तो ये थी कि अगर हम उसको वैल्यू देंगे तो वो हमको जरूर उसका आंसर देगा। ये आंसर नहीं दे रहा तो इट्स मीन इट्स नॉट फंक्शन। अच्छा अभी इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली किस तरह समझेंगे, ग्राफिकली इसको किस तरह समझेंगे? अगर कोई ग्राफ दे दे और तुमको किस तरह पता लगेगा इसका डोमेन क्या रेंज क्या है? तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर ये एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है ये बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, एग्जाम्पल है, बुक में सॉल्व है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा अब इसका मैं ग्राफिकली तरीका जो है वो थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा सबसे पहले मैं इंटीजर्स के जरिए से आपको किस तरह, मतलब इतना सॉल्यूशन तो आप नहीं कर सकते, इंटीजर्स के जरिए मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। चले देखिए, अब आपने तो ये सुना होगा कि अच्छा अब इसकी ग्राफ को देखिए, इसका ग्राफ जो है वो बुक में गलत बनाया गया है, मैं इसको ठीक बना लेता हूँ। चले सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो लाइन जो बना देता हूँ। चले अब देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, देखिए। अच्छा अब ये थोड़ा नहीं, मैंने इसको भी गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस टू अगर हम इसको टू देंगे तो देखिए अब इसके डोमेन को देख के बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि टू नहीं दे सकते, टू हम नहीं दे सकते। तो देखिए आप टू को टू मतलब टू पॉइंट आप इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। देखिए अब टू पॉइंट आप यहाँ पर आ गए। चले मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना, ये इसका जो लाइन था वो मैंने इस तरह बना दिया। देखिए अब देखिए आप इसके करीब जा सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं करेंगे। अगर इसको टच कर दिया तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो गलत होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखिए अब जो इसका रेंज है वो क्या है, कह रहा है कि आप जीरो, जीरो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे इसका जो जीरो है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जीरो आ रहा है। थोड़ा ग्राफ यार राइटिंग की थोड़ी, अच्छा ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको देख लें, अब इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, अगर आप इस तरह इसका लाइन नहीं, इसमें तो जीरो नहीं ना, ये तो मसला हो गया। एक मिनट, इसका ग्राफ में नहीं, ये तो नहीं ना, इसका तो ये ग्राफ नहीं है। अब देखिए रेंज को देखकर बात करेंगे तो देखिए, अच्छा रेंज हमारे पास ये हो गया। अच्छा अब इसको देखिए, इसका ग्राफ कुछ जीरो इसमें शामिल है ना, कह रहा है कि जीरो शामिल है। ठीक है देखिए 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 तो मसला है। अच्छा ये इस तरह कर ले, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब देखें अगर आप इसको देख ले तो ये जीरो हमारे पास जीरो, ये वन और ये टू, ये हमारे पास टू है। तो हमने कहा था कि टू पर हमको ये आंसर नहीं देगा। तो देखें अगर आप इसको इस तरह एक लाइन लगाएंगे ना, जिस तरह हमने कहा था कि टू पर आंसर नहीं देता, तो बिल्कुल नहीं देता ना। इसके ग्राफ को देखे ना, ये ना इस लाइन को, ये टू को ना ये टच कर रहा है या नहीं ये टच कर रहा है। देखे ना ये सीधा जा रहा है इसके साथ, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है, या ये भी इसको टच नहीं करता है, इसके साथ जाता है लेकिन टच नहीं करता। देखिए अगर आप इसको इस तरह एक्सटेंड भी करें ना, लेकिन ये इसको टच नहीं करेगा, इसकी करीब तो जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो देखिए ये टू पर आंसर नहीं देगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी दूसरी बात ये कि ना जीरो पर भी ये आंसर नहीं देता। जीरो को किस तरह, देखिए जिस तरह हमने यहां पर फाइंड किया कि टू पर ये आंसर नहीं देता, अब जीरो पर किस तरह फाइंड नहीं आंसर नहीं देता। तो सबसे आपने किस तरह सोचना होगा, देखिए आपने इस तरह की लाइन लगाने होंगे। देखिए अब यहाँ पर भी आंसर दे रहा है, यहाँ पर भी आंसर दे रहा है। देखिए यहाँ पर तो हम कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे ना, कुछ वैल्यू होगी।
अब ये अगर इस तरह जाए तो ये भी आंसर दे रहा है, यहाँ पर भी आंसर दे रहा है, यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर भी आंसर दे रहा है, यहाँ पर भी दे रहा है, लेकिन जब बात होती है यहाँ पर तो यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर ये किस तरह आंसर देगा आपको, ये तो ये आंसर नहीं देता, देखे ना यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ है नहीं तो ये किस तरह आंसर देगा, ये देखिए इसके साथ इस तरह जीरो पर ये आंसर नहीं देता। अगर इसको भी देखिए, देखे ना आंसर देगा, आंसर देगा, आंसर देगा, देगा आंसर, ठीक है बिल्कुल, लेकिन जीरो पर देखे ना, जीरो पर ये किस तरह आंसर देगा, ये नहीं दे सकता जीरो पर, क्योंकि ये इस तरह है, आप इस लाइन को देखें, ये इस तरह जा रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, इसके दरमियान में जा रहा है, तो ये जीरो पर आंसर नहीं देता। अच्छा टू और जीरो पर ये आंसर नहीं देता। अच्छा अब देखे किस तरह पता चला कि ये टू पर और जीरो पर आंसर नहीं देता, आपने इस तरह लाइन लगाने होंगे, जब भी कोई ग्राफ गिवन हो तो आपको किस तरह पता चलेगा इसका डोमेन क्या और रेंज क्या है, इस तरह लाइन बताकर ये आपने बताना होगा। देखिए तो अब आगे चलते हैं थोड़ा, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे क्या है कि कंपाउंड फंक्शन क्या होता है। देखिए कंपाउंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको डिस्क्राइब, जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास जरूर दो वीडियो हो। किस तरह मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 264 पर जो फर्स्ट ईयर का बुक है, आप उसको उठाकर देख ले, आप उसको उठाकर देख ले, वहां पर हमारे पास कंपाउंड फंक्शन का एक वो क्वेश्चन, अच्छा उसका वो जो थ्योरी है उस पर, थ्योरी पे उसकी थ्योरी लिखी हुई है और इस साइड में बिल्कुल इस साइड में बात की गई है। चले यहाँ पर बताते चले कि कंपाउंड का कंपाउंड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। देखिए जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि f ऑफ ये हमारे पास फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट, ठीक है। अब इसके लिए हमको थीम कैसेस गिवन थे कि f x इज जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। देखिए अगर x क्या हो, x इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, तो देखिए अब इसका जो फंक्शन होगा वो हमको क्या आंसर देगा, देखिए वो हमको ये आंसर देगा। देखिए अगर x इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास होगा x ही होगा ग्रेटर देन, अगर लेस होगा तो माइनस होगा, अगर इक्वल टू होगा तो ये हमारे पास जीरो की होगा। अच्छा देखिए अब ये किस तरह हमको किस तरह पता चलेगा, देखिए अगर आप x की वैल्यू जीरो से ज्यादा रखेंगे तो वो आपको वही देगा, मतलब आप यहाँ पर टू फुट करें तो वो टू ही देगा, थ्री फुट करें थ्री ही देगा, फोर फुट करें फोर ही देगा। अच्छा अगर लेस हो, लेस हो का मतलब है कि अगर आप इसकी माइनस फुट करेंगे तो वो आपको प्लस में आंसर देगा। देखिए किस तरह इसकी जो फर्स्ट ईयर में ज्यादातर जो टीचर है वो स्टूडेंट को ये बताते हैं कि देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन की ये हासियत है कि जब आप इसमें माइनस फुट करें तो ये अपना ये जो माइनस आपने फुट किया हो वो माइनस ये कहा जाता है वो गायब कर देता है तो वो आपको आंसर प्लस में देता है। लेकिन इसका आंसर हर किस ये नहीं है, इसका आंसर क्या है कि बात वो ठीक कर रहा है लेकिन आंसर इसका नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरह गायब करता है, किस तरह गायब करता है, चलो आपने कहा कि चलो मैंने अगर इसको माइनस टू दे दिया तो ये हमको प्लस टू देगा, फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन में मैंने पुट कर दिया माइनस टू, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू का आप रूट कर लेंगे तो ये हमारे पास प्लस टू, ठीक है प्लस टू कर लिया। अब किस तरह कर लिया, आप तो इस तरह नहीं कह सकते बस कर लिया नहीं ना, आपको उसके साथ मैथ्स है, इसमें हमेशा हर एक चीज के पीछे एक खास जो सबक होता है आपको मतलब वो पे पढ़ना होगा। तो देखिए अब देखिए आज यही सीखेंगे कि किस तरह मतलब ठीक है अपना माइनस को ये गायब करता है लेकिन किस तरह गायब करता है वो बता दे हमको। अच्छा बता दे देखिए अगर आप इसमें माइनस पुट करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस ये प्लस कर देता है। देखिए आप इस कंडीशन को देखेंगे, ये हमारे पास जो साइंटिस्ट थे जो भी थे उन्होंने ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन पर हम काम करेंगे। देखिए अगर पुट करते हैं हम इसी इक्वेशन में, हम अगर पुट करते हैं माइनस टू, ठीक है चले जी एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, मतलब एक्स एब्सोल्यूट की जगह आप माइनस टू पुट कर ले। चले देखिए अगर एब्सोल्यूट आ जाए तो देखिए ना हमने कहा कि आंसर माइनस, देखे तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला माइनस लिखेंगे, अब दूसरा माइनस जो लिखेंगे वो जो क्वेश्चन का है वो लिखेंगे। समझ नहीं आई, इसको देखेंगे इस कंडीशन को देखेंगे। देखिए हमने कहा कि अगर x इज लेस देन जीरो हो तो हमारे पास क्या होगा, माइनस x होगा, ठीक है। अब किस तरह माइनस, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप x लेस देन जीरो रखेंगे तो उसका आंसर माइनस में होगा, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये कि अगर आपका x लेस देन जीरो हो मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर हो तो आपने यहां पर ख्याल करना होगा कि आप उसके साथ ये माइनस लगाएंगे तो ये उसको प्लस करेगा। किस तरह मतलब देखिए अब देखिए
एफ ऑफ माइनस टू हमारे पास देगा, माइनस टू माइनस ये प्लस टू देगा। तो जो कह रहा था कि वो अपना माइनस गायब कर लेता है, वो गायब नहीं कर लेता है बल्कि ये माइनस है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये प्लस में जवाब देगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से ये बात ही दोहरा रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आप सुन ले। देखिए हमको ये कंडीशन गिवन है, हम इस कंडीशन को देखेंगे, यहाँ पर फैसला करेंगे। देखिए अब हमने कहा कि अगर x इज ग्रेटर देन जीरो हो तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव होगा, आंसर पॉजिटिव नहीं होगा हम ये केस लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर x लेस देन जीरो हो तो हम ये केस लेंगे, मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट में अगर x माइनस थ्री हो, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो होगा, देखिए यहां पर हम x की जगह पुट करेंगे, पहले इससे एब्सोल्यूट से बाहर माइनस होगा, फिर माइनस क्या होगा, माइनस जो वैल्यू है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इसका दूसरा एग्जाम्पल भी करवा लेता हूँ। चलिए अगर हम इस तरह करें कि पुट x इज इक्वल टू माइनस फोर, चले मैंने माइनस फोर पुट कर लिया, ठीक है, मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर, ठीक है, लेस देन माइनस जीरो, तो ये लेस है ना, माइनस क्या है, लेस है ना जीरो से। अच्छा अब फंक्शन क्या होगा, f ऑफ माइनस फोर इज इक्वल टू, अब देखिए हम इसको देख कर बात करेंगे, इन दिनों को देखे हमने कहा कि एब्सोल्यूट अगर लेस आ जाए तो माइनस लगाएंगे और x की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, अगर x लेस देन जीरो आ जाएगी माइनस लगाएंगे और x की वैल्यू लगाएंगे। सबसे पहले माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस जो मैंने है, अब x की वैल्यू क्या है, माइनस फोर है, ठीक है, तो माइनस टू माइनस प्लस फोर आ जाएगा, f ऑफ माइनस फोर, इस तरह जो क्वेश्चन था ना वो भी सॉल्व हो गया। अच्छा यही बात की गई है कि अगर आप देखें ना कि ये माइनस कहाँ जाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो माइनस कहाँ जाता है, तो आपने सबसे पहले ये बताना होगा कि ये देखिए हमारे पास ये रूल्स है कि अगर लेस हो तो हमारे पास ये होगा, अगर ग्रेटर हो तो ये होगा, अगर इक्वल हो तो ये होगा, तो ये रूल सबसे पहले आपने बताने होंगे, ठीक है, ये बेसिक चीजें, ये आगे जाने के लिए इंतहाई ही जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा उफ गर्मी यार। अच्छा अब यहां पर दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर जो है कंपाउंड फंक्शन की बात तो हो गई, अब इस पे एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल भी है, अगर मैं एग्जांपल करूंगा तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1.4 को देखें, कंपाउंड फंक्शन की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, और फॉर केस दिया गया है कि अगर एक्स, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, और इस तरह दूसरा भी दिया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन फॉर कंडीशन, देखे ना एक्स इज, ये हमारे पास कंडीशन। अब देखें यहां पर क्या है कि लेस देन आर इक्वल टू और ये ग्रेटर देन है, देखिए ना अगर x हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू हो तो हम ये इसमें फुटिंग करेंगे, और क्या है फाइंड करना है, कि फाइंड क्या करना होगा, देखिए ये हमारे पास वो जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड हमने करना होगा, फाइंड हमने करना होगा ये वाला, देखिए फाइंड माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमने फाइंड करना होगा, x इज इक्वल टू वन ये फाइंड करना होगा, और x इज इक्वल टू टू ये फाइंड करना होगा, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी होगी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन को देखेंगे उसी तरीके से हम फैसला करेंगे, इस तरह हम नहीं कर सकते कि डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये दो इक्वेशन दी गई है, उसके साथ फोर इक्वेशन, मतलब फोर कंडीशन भी दी गई है, अगर x लेस देन आर इक्वल टू वन हो तो आप इसमें पुटिंग करेंगे थ्री एक्स प्लस टू में, अगर x ग्रेटर देन वन हो तो आप इसमें पुटिंग करेंगे। तो देखिए ना अब x इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन क्या है, माइनस वन लेस है किससे, वन से, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो हमने तो कहा है ना कि अगर या लेस हो या लेस हो या इक्वल हो तो हम पुटिंग करेंगे इसमें। फिर से दोहरा रहा हूं, देखिए ना यहां पे कंडीशन है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू वन तो हम पुटिंग किस में करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे, अगर x इज ग्रेटर देन वन हो तो हम पुटिंग इसमें करेंगे। अगर आप यहां पर देखें कि x क्या है, वो माइनस वन है, क्या है वो, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो हम पुटिंग इसमें करेंगे। देखिए नाउ यूजिंग, क्या यूज करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी मैं बात कर रहा हूं तो इसको जब मैं बात कर रहा हूं तो हम ये यूज करेंगे ना, अब पुट x इज इक्वल टू माइनस वन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आपने लिखनी होगी, जगह की वजह से हम बस शॉर्टकट कर लेते हैं, f ऑफ माइनस क्या है वन इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन इज प्लस प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है, तो देखिए ना जिस तरह f, अच्छा प्लस टू माइनस माइनस करेंगे लेकिन निशान बढ़ेगा होगा माइनस वन,
ठीक है। अच्छा अब देखे ना, हमने कंडीशन को देखी, बात की। अब नाउ अब हम ये दूसरी वाले देखे, x इज इक्वल टू वन। अब इस कंडीशन में आप देखे किस पर ये होता है, हमने कहा कि अगर x लेस देन या इक्वल टू वन हो तो हम ये वाला लेंगे, बिल्कुल ही तो है ना, इक्वल तो है लेस नहीं लेकिन इक्वल तो है ना, तो हम ये वाला कंडीशन, इसमें आप वन की भी फुटिंग कर ले, इस तरह आप शुरू कर ले और वन की फुटिंग यहाँ पर कर ले। अब देखे एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन वन, अगर x ग्रेटर देन वन हो तो हम यहाँ पर फुटिंग करेंगे, तो x इक्वल टू टू है मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ग्रेटर देन वन है तो हम फुटिंग इसमें करेंगे, मतलब टू की जगह x की जगह आप टू लिखेंगे। नाउ मैं तीसरा वाला पार्ट अप कर लेता हूँ, ये आपने करना होगा। नाउ देखे नाउ x इज इक्वल टू टू, ठीक है x क्या है टू है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ठीक है। अच्छा गिवन कंडीशन ये क्या है कि x अगर लेस देन वन हो तो हम टू क्या इसमें फुटिंग करेंगे, ठीक है तो f ऑफ x x की जगह हम क्या फुट करेंगे, टू फुट करेंगे, और क्या है टू का स्क्वायर माइनस वन, इसमें फुटिंग कर रहे हैं फोर माइनस वन तो इज इक्वल टू थ्री, एफ ऑफ टू ये इसका आंसर हो गया। अब अगर जो लोग इसको समझ गए ना तो इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है उनको ये क्लियर होगा, ठीक है ना, ठीक है उनको वो क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि साथ में एक्सरसाइज भी करें, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई ये वीडियो क्योंकि यार काम ज़्यादा है, काम मतलब इस तरह नहीं होता। अच्छा अब इसमें एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट है ना, ये एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको सेवन करवा लेता हूँ, थोड़ा इसका हिंट्स भी दूंगा, एट भी करवाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, वो आपने करने होंगे। देखे ना अब क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, f of x is equal to x minus 3 आप बुक में देख लें, और f of x is equal to 2x plus 5। अच्छा ये जो पहला वाला है इसका कंडीशन, अच्छा तो अब ये हमारे पास जो ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन ऑफ द डोमेन इन रेंज, अब इसका क्या मतलब है, इसको आप एब्सोल्यूट फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा अब एक एमसीक्यू जो बताया जो कि इवन फंक्शन जो होता है उसका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, ठीक है याद रखिएगा। अच्छा ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है। अच्छा इस पे जो क्वेश्चन है ना, तो आपको एब्सोल्यूट फंक्शन का कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैंने से पहले बताया था, अब फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट हो तो हमारे पास तीन कंडीशन है, x इज क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा x के बराबर होगा अगर x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज लेस देन जीरो और x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है तो ये माइनस एक्स और ये जीरो, ठीक है ये हमारे पास उसकी कंडीशन थी, ये हमारे पास कंडीशन, ये एब्सोल्यूट फंक्शन की एक डिफिनेशन है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा, अब एब्सोल्यूट फंक्शन का जो शेप होता है वो वी शेप होता है, मतलब इसका इस तरह का एक शेप होता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसका कुछ इस तरह का शेप होता है। अब डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये वी शेप है तो क्यों है। देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन, देखिए अब जब भी आप किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट निकालेंगे ना, तो देखिए अगर एक्स का एब्सोल्यूट, एक्स का किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इट मीन्स कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लास्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अच्छा अगर एक्स एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एक्स आ गया तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अच्छा फिर देखिएगा अगर एक्स एब्सोल्यूट माइनस में आ गया तो इसका मतलब है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब देखिए अब यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास प्लस एक्सेस है, प्लस एक्स है, अगर वैल्यू प्लस में आ गई तो ये तो नीचे तो नेगेटिव है ना, तो हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर माइनस में आ गई, लेकिन ये तो फिर मिटाएंगे ना, ठीक है, तो ये वो जो वी शेप है वो किस तरह आया, ये इसका वी शेप है, ठीक है। अब ये ऐसी चीजें अगर आप इसको मतलब याद हो आपको कि आप ये किस तरह होता है, तो आप इस पे आगे जो आने वाले क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ इधर, ये जरूरी है मतलब बेसिक चीजें अक्सर, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ कि अगर f ऑफ x
का अगर x का एब्सोल्यूटली कहेंगे तो f ऑफ x में तीन कंडीशन होंगी, x माइनस x और जीरो। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, अगर f x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज लेस देन जीरो और x इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वो कंडीशन जो कि आगे क्वेश्चनों में यही चीज इस्तेमाल होगी। देखिए अब जो एब्सोल्यूट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें ए बी दो पार्ट्स है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह की देखिए आगे जो इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, चले इसका मैं कर लेता हूँ बी पार्ट, मैं इसका कर लेता हूँ ये ए और बी पार्ट एक्स एब्सोल्यूट, ये तो मतलब यही है, मतलब इसमें तो कुछ इस तरह नहीं। अब इसका जो बी पार्ट है पेज नंबर 4 पे, आप जो बी पार्ट देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एब्सोल्यूट, ये किस तरह करेंगे देखिए आगे इस पे पूरे एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं इधर लिख लेता हूँ, चलिए हमारे पास ये आपने याद रखनी होगी कि ये किस तरह है, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एफ क्या है, क्वेश्चन हमारे पास जो था वो था कि 3x प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन 3x प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब देखिए अब हम इस कंडीशन को देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है इस पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए अब एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन को देखें, देखिए एक्स मतलब प्लस कब होगा, 3x प्लस 4 कब होगा देखिए। अब इफ कंडीशन क्या है, वही कंडीशन इफ अगर 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर, तो इसका जो होगा वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3x प्लस 4 अगर ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए अगर माइनस में होगा, देखिए अब 0 ना ले बस माइनस में ले ले, अब माइनस अगर होगा माइनस 3x प्लस 4 होगा तो इसकी कंडीशन ये कब होगा, इफ अगर 3x प्लस सॉरी ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ये भी, ठीक है। अच्छा इफ अगर 3x प्लस 4 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखिए यही कंडीशन जो मैंने यहां की ना, जिस तरह x पर अप्लाई किया था इस तरह मैंने 3x प्लस 4 पर भी अप्लाई कर लिया। अब देखिए आप इस तरह कर लेना, अब इसी क्वेश्चन से आप x की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है। तो इससे जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखे ना 3x is equal to minus 4, so x is equal to minus 4 by 3, तो एक वैल्यू तो ये आ गई। इससे भी आप फाइंड कर ले तो इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इक्वलिटी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये आप इस तरह लिखेंगे कि 3x plus 4 is greater than or equal to minus 4। अच्छा इससे भी फाइंड कर ले x is less than minus 4, 4 को मैंने इस साइड कर लिया, ठीक है, ये 3x है। अच्छा ठीक है x is लेस देन माइनस 4 बाई 3। अब देखिए अब आप जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में आपने इन वैल्यू को रखना होगा क्योंकि ये इनका वर्टेक्स है, ये अपनी जो डायरेक्शन है यहीं पर चेंज करता है। किस तरह देखिएगा, अब जो इसका टेबल होगा देखिए, अब टेबल में हम क्या करेंगे, x लेंगे और y लेंगे। पेपर का जो तरीका होगा वो ये होगा, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास, अच्छा बड़ी गर्मी यार। अब देखिए हम जो वैल्यू भी लेंगे लेकिन याद रखिएगा कि जो वैल्यू यहां से हमारे पास आई होगी वो हम इसके सेंटर में जरूर लेंगे क्योंकि ये इसके वर्टेक्स में फिर होगा। देखिए किस तरह माइनस 4 बाई 3, ठीक है। अब इससे थोड़े क्या कर ले, थोड़े एक दो नंबर छोटे और एक दो नंबर पहले ले ले, इससे छोटे क्या है माइनस 3। चलिए आप इस तरह कर ले, बस ये एक ही नंबर काफी है क्योंकि एक लाने हैं तो इसलिए, ठीक है। इससे बड़े क्या होंगे, तो भी देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके इससे बड़े नंबर, ठीक। अब याद रखिएगा अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 हम अब ज्यादातर ये कंफ्यूज होते हैं कि ये 3 हम इसमें पुट करेंगे या ये इसमें पुट करेंगे, तो हम इस 3 की इस कंडीशन को देखेंगे। देखिए एक्स हमारे पास 3 है, बिल्कुल यहां पर बताया गया है कि अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3 बाय 4 हो तो क्या होगा, हम माइनस 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ना माइनस 3 क्या है, ग्रेटर तो नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब ये जो कंडीशन है इसके लिए ठीक नहीं, ठीक है, ग्रेटर भी नहीं है और माइनस 4 बाय 3, ये इधर माइनस 4 बाय, अच्छा देखिए ना माइनस 3 है ना। अब ये क्या है, x इज अगर x लेस देन या इक्वल टू हो किसके माइनस 4 बाई 3, तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखिए
एक्स क्या है माइनस थ्री है, माइनस थ्री क्या है माइनस थ्री तो ना ग्रेटर है माइनस थ्री बाई फोर से ना या इसकी इक्वल है, तो हम ये कंडीशन तो नहीं लेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर ये नहीं लेंगे तो ये लेंगे, किस तरह देखिए माइनस थ्री है, माइनस थ्री क्या है लेस देन माइनस फोर बाई थ्री है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब है कि हम इसमें पुटिंग करेंगे। अच्छा अब इस माइनस थ्री को एक्स की जगह पुट कर लेते, ये क्वेश्चन आगे ये सोल्व भी है, मतलब बुक में सोल्व भी है। अब इस तरह कर ले माइनस और थ्री और एक्स की जगह क्या पुट करें माइनस थ्री, ठीक है, और प्लस फोर अपनी जगह पर, ठीक है। अच्छा माइनस नाइन, माइनस नाइन प्लस फोर, अच्छा अब इस तरह कर ले माइनस को अंदर कर ले माइनस टू माइनस प्लस नाइन और माइनस फोर, प्लस टू माइनस माइनस करेंगे निशान बड़े करेंगे प्लस फाइव, ये हमारे पास प्लस फाइव आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस पे आ जाते हैं माइनस थ्री माइनस फोर बाई, अच्छा अब इसी तरह इस दूसरी को देखिए, इस दूसरे में क्या है किधर गया उधर सब, अच्छा अब दूसरे को देखे ना, इसी कंडीशन को देखेंगे और हम बात करेंगे इस कंडीशन को देखे माइनस फोर बाई थ्री। यहाँ पे बताया गया है कि अगर तुम ये यूज करोगे तो ये कंडीशन देखो, अगर ये ठीक है इसके लिए, ये कंडीशन अगर इसलिए ठीक है तो आप ये वाले यूज करेगा, ये ठीक है तो आप फिर ये वाले यूज करें, ठीक है। अच्छा माइनस फोर बाई थ्री क्या है, माइनस फोर बाई थ्री क्या है ग्रेटर तो नहीं है मगर इक्वल तो है ना, तो ये कंडीशन इसके लिए ठीक है, मतलब इसमें हम पुटिंग करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को देखिएगा और अब एक्स की जगह क्या पुट करें माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, थ्री माइनस सॉरी माइनस थ्री नहीं माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री और प्लस फोर, माइनस और प्लस कट, माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास हो गए जीरो, ठीक है। उसी कंडीशन को देखेंगे और हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब वन क्या है, वन इज क्या है, वन इज लेस देन माइनस फोर बाई थ्री, नहीं ये तो ग्रेटर है। एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, इक्वल तो नहीं है मगर ग्रेटर तो है ना, ग्रेटर है तो हम ये वाला लेंगे। अच्छा इसकी जगह आप क्या फुट कर ले वन फुट कर लेंगे, थ्री माइनस वन इधर आएगा। अच्छा अच्छा अब देखिए जिस तरह मैंने बताया था कि नहीं ये तो माइनस वन नहीं वन नहीं, क्या कर रहे हो यार, इधर माइनस ये इधर सेवन आ रहा है, थ्री वन थ्री और प्लस फोर ठीक है सेवन। अच्छा अब देखिए ये भी हो गया, अब टू को देखिए, अब टू क्या है, इसी दो कंडीशन को देखेंगे। अब टू क्या है, टू हमारे पास पहले वाले कंडीशन को देखेंगे, ये ग्रेटर देन माइनस फोर बाई, बिल्कुल ग्रेटर तो है ना, माइनस फोर बाई थ्री तो ये ग्रेटर है ना, तो अगर माइनस फोर बाई थ्री से ये ग्रेटर है तो हमारे लिए ये ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसकी जगह आप टू पुट करें, थ्री टू आर थ्री और टू प्लस फोर, थ्री टू आर सिक्स प्लस फोर टेन, तो इधर हमारे पास टेन, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, अब ये देखें, अब यहाँ पर हम किस तरह ग्राफ किस तरह बनाएंगे, देखिए ये हमारे पास हो गया एक ये हो गया, चले मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अच्छा ये प्लस, अब ये माइनस हो गया इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये ऊपर वाला प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा एक्स पर आप ले ले एक्स एक्सिस ये है, वाई 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 एक्सिस ये है। अच्छा एक्स एक्सिस पर आप ले ले माइनस थ्री, चलिए देखिए एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, माइनस थ्री कहाँ आता है, फॉर एग्जाम्पल ये वन टू थ्री, फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री यहाँ पर आता है, देख ये हमारे पास माइनस थ्री हो गया, चले हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब y पर आप प्लस फाइव ले ले, y क्या है, y ये है, ये तो नेगेटिव है ऊपर, पॉजिटिव है वन टू थ्री फोर फाइव, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया। अब इससे आप इस तरह कर ले एक लाइन लगाए, इससे आप लगाए यहाँ पे हमारे पास टच होता है, इसको आप मिटा दें। अच्छा अब देखें, अब क्या है माइनस फोर बाई थ्री एक्स एक्स पर आप ले रहे माइनस फोर बाई थ्री, अब माइनस फोर बाई थ्री कहाँ होगा, देखिए ये जो वन है ना वन, इसके अंदर आप टेन लाइन लगाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अच्छा मैंने ये वन थोड़ा वो किया है, छोटा लगाया है, छोटा है, अब इस तरह कर ले इस वन को थोड़ा बड़ा ले, इस जगह को बड़ा ले ले, ठीक है,
ताकि आपके लिए आसानी हो। ये हमारे पास है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फॉर एग्जांपल ये 3 इधर आ गया, इस तरह कर लेते हैं, इसको आप मिटा लें, इसको भी मिटा लें। फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। मैंने जगह की वजह से तो ये इधर इधर इसे इधर तो ये इधर लाना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह कर लिया, ठीक है। अच्छा अब माइनस 4/3 क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3, माइनस 4/3 तकरीबन यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। लेकिन y पर क्या कह रहा है, y पर जीरो ले, देखें ये तो जीरो है ऑलरेडी, तो बस इसको यही छोड़ दे। अच्छा x एक्सिस पे आप 1 ले लें, एक्सिस पर प्लस 1 ले लेना, प्लस 1 तो ये है, ठीक है। अच्छा ये जगह बहुत ज़्यादा मैंने कम लिए, चले मैंने इधर ही ले लिया, ठीक है। अच्छा x एक्सिस पे 1 ले लें और y एक्सिस पे क्या ले लें, 7 ले लें, ये 7 है, तो y एक्सिस पे 7 प्लस इधर है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें क्या हो गया यार, नहीं यार कहीं पे गलती की हमने, तो हमने एक्स एक्स पे 7 ले लिया यार। अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट। अच्छा 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 दोबारा देखिए, गलती मैंने कर ली। अच्छा क्या है कि एक्स एक्स पे 1 ले ले, तो एक्स एक्स तो ये है ना, तो ये हमारे पास हो गया 1। अच्छा वाई पर क्या ले ले, 7 ले ले। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो आप इस तरह कर ले, इससे भी ऊपर चला जाए और इससे भी थोड़ा इस तरफ आ जाए, ये जिस लाइन पर टच होती ये हमारे पास हो, इसको मिटा ले, ठीक है। अब थोड़ा रब बना रहा हूँ, मतलब जगह की भी वजह है और प्रैक्टिस भी नहीं है, तो इसलिए ठीक है क्या। अच्छा अब एक्स पर आप 2 ले लें, एक्स पर हमारे पास 2 ये आ जाता है, और वाई पे आप 10 ले लें, तो ये 7 हुआ, 8 9 और 10, 10 यहाँ पे आता है, इस तरह आप थोड़ा बाहर आ जाए और इसी अब ऊपर चला जाए, ये हमारे पास हो गया, इसको आप मिटा लें, ठीक है। अब इसकी लाइन ज्वाइनिंग कर ले, देखिए ठीक है। अच्छा यही यार, इस तरफ या तकरीबन सेम है, तो इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। आप बुक में भी देखिए इसका ग्राफ यही होगा, तो ये इसका क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज में इसकी क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे ख्याल से, इसमें क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, इसका ग्राफ इस तरह आपने करना होगा, यही कंडीशन आपने अप्लाई करनी होगी, इस तरह आपने देखना होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए बी और सी और डी पार्ट है, 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स इसमें, आप देख लेगा, कोई मसला हो तो बेशक आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो ये भी हो गया, अब इस साइज की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना, इसी को आप प्रैक्टिस कर ले, इसको आप देख ले, आप हर एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा, इस तरह नहीं होगा कि अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा अच्छे नहीं, बिल्कुल यही तरीका है, यही सेम थिंग है, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस करें, अगर ये आपको आता है तो आप उसको करेंगे। अच्छा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पेज है, अच्छा पेज नंबर 6 पर आप देखिए, जो टॉपिक दिया गया है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। अच्छा इसकी जो मतलब है ना, इसके जो टॉपिक का मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, अब बड़ी अजीब बात है यार कि फंक्शन के अंदर फंक्शन किस तरह आता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसको हम फिर कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एफ ऑफ एक्स, चलिए इस तरह भी कर सकते हैं कि साइन एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये हमारे पास, देखिए हम सबसे पहले कंप्यूटर में जब प्रेस करेंगे की, तो सबसे पहले हम कॉस की प्रेस करेंगे, आफ्टर डेट हम साइन की प्रेस करेंगे। अगर हम पहले साइन की प्रेस करेंगे तो कॉस फिर कॉस की, तो ये हमको कोई आंसर नहीं देगा, इसका आंसर जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। अच्छा अब ये फंक्शन के अंदर, अच्छा इसकी जो रीडिंग का तरीका होगा देखें आप, मतलब साइन इस तरह, मैं इसका जो बुक का जो एग्जांपल है वही लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पे जो ये क्या है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये उन्होंने दिया है। चले अच्छा अब इसको किस तरह रीड करेंगे, ठीक है, एच ऑफ एक्स इज एच एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ही इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ नहीं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पहले हम सबसे पहले जी ऑफ एक्स के फंक्शन में काम करेंगे, आफ्टर डेट हम इस जो वीडियो आएगी इसके साथ करेंगे, ठीक है। आप इस तरह नहीं करेंगे कि आप पहले एफ में करें फिर जी में करें, नहीं, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि देखिए अब ये क्या है, ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, देखिए एफ
ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अपना एक फंक्शन है और एफ जी ऑफ एक्स अपना एक फंक्शन है, लेकिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक अपना एक फंक्शन है। देखिए अब ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आता है, मतलब इसका क्या है कि अगर आप इस तरह कर ले कि ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब क्या होगा कोस एक्स और साइन एक्स, देखिए ये है तो ये सेम है। देखिए ना आप अब कंप्यूटर का एग्जांपल बहुत है अच्छा है। देखिए अगर आप इसको इस तरह करें, सबसे पहले साइन एक्स दे आफ्टर डेट उससे जो वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस एक्स और यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दे दिया ठीक है। अब देखिए ये अगर वैल्यू आ गई हमारे पास तो अब इसके बाद फिर कॉस और ये वैल्यू पुट करेंगे ठीक है। अगर हम सबसे पहले कॉस पुट करेंगे फिर साइन पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपको कोई भी आंसर नहीं देगा, अगर देगा भी तो वो गलत देगा ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ठीक है। अच्छा फिर क्या है इसमें हमारे पास आता है, अच्छा इसी ऊपर एक टॉपिक रह गया है कि वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन क्या होता है। तो इसमें भी जो पेज नंबर 6 है इसका ऊपर जो पहला है डेफिनेशन लिखा है कि देखिए अब मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ कि अगर किसी भी फंक्शन के डोमेन में एक ही रेंज हो, मतलब या एक ही रेंज में एक ही डोमेन हो, देखिए ना अगर एक फंक्शन की डोमेन में डोमेन होता है जो वीडियो हम देती है और उसका रेंज हमारे पास वन ही आता है, मतलब उसका रेंज एक ही हो तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। देखिए तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो ए पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऊपर दिया है ए पार्ट कि वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं, ये मेनी टू फंक्शन है। अच्छा मेनी टू फंक्शन वो होता है कि जब वो हमको दो वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल कि हमने एक फंक्शन में वैल्यू डाली और वो हमको दो वैल्यू दे गया तो वो हमारे पास मेनी टू फंक्शन टू वन फंक्शन होगा ठीक है, मेनी टू वन फंक्शन। अब देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चले वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है। अगर आप इस तरह करें कि वाई जगह फोर फुट करें, चले मैंने फोर कर दिया एक्स स्क्वायर, आप इसका अंडर रूट ले, इसका ये इसके साथ कट गया तो ये प्लस माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस टू, प्लस भी है और माइनस टू भी, तो ये हमारे पास मेनी फंक्शन नहीं, ये वन वन टू वन फंक्शन नहीं, ये मेनी टू वन फंक्शन है क्योंकि इसने दो वैल्यू दी। वन वन फंक्शन की पहचान यह है कि जब उसमें हम पुटिंग करेंगे तो वो हमको एक ही वैल्यू देगा ठीक है, तो ये हमारे पास ये मिनी टू वन फंक्शन है, वन वन नहीं है। अच्छा दूसरी देखिए आप इसकी इंग्लिश भी रीड कर सकते हैं, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये हमारे पास वन वन फंक्शन है, अगर आप इसमें एड पुट करेंगे तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन बिल्कुल है ठीक है, आप इसको देख ले बिल्कुल है हमारे पास। ये जो तीसरा है तो हमारे पास फंक्शन है ही नहीं, आप इसकी इंग्लिश भी देखिए गिवन इक्वेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द टू वैल्यू ऑफ y correspond to the one value of x is not constitute function। अच्छा तो ये हमारे पास फंक्शन है ही नहीं क्योंकि आप इसमें फुटिंग कर ले ये आपको कोई भी आंसर नहीं देगा ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला है वो फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास मेनी टू फंक्शन है, दूसरा वाला वन टू वन फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है ही नहीं ठीक है। अच्छा फिर ये नीचे आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाए उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। अच्छा फिर इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दी गई है कि जी ऑफ, अच्छा ये हमारे पास में क्वेश्चन दी गई है कि अच्छा जी ऑफ इज इक्वल आप मालूम करें, अच्छा ये इसके क्वेश्चन में आपको पढ़ाता हूँ, इसके क्वेश्चन कहाँ पे है साइड में, क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 इस पर क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, अच्छा और जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है वो क्या है कि टू एक्स ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा और कह रहा है कि फाइंड कर ले आप किस चीज़ को, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको भी फाइंड कर ले ठीक है, और जी ऑफ ये जी है ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको भी फाइंड कर ले। तो देखिए ना अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगा, फिर बता रहा हूँ एहतियात करना होगा। देखिए किस तरह करना होगा, देखिए सबसे पहले आपने हमारे पास दो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी है जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी है, अगर मैं ये वाला ले लूँ ये वाला फॉर एग्जाम्पल नाउ टेकिंग
क्या लेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या वैल्यू है, जी ऑफ एक्स के हमारे पास 2x, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है ना 2x, तो ये हमारे पास है, ये मैंने वैल्यू डाल दी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए अब कह रहा है कि f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो क्या करेंगे, f ऑफ 2x का हमारे पास क्या क्या होगा, f ऑफ 2x, f ऑफ x की वैल्यू ये है, कह रहा है कि आप मालूम करें कि f ऑफ 2x क्या होगा, तो f ऑफ 2x मतलब क्या है कि x स्क्वायर की जगह, x की जगह यहां पर जहां भी x होगा आप इसकी जगह 2x को पुट कर ले, किस तरह, देखिए f ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या, इस इक्वेशन में आप पुटिंग कर ले, ठीक है, एक्स की जगह आप क्या पुट करें 2x, तो ये स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एफ ऑफ 2x हो गए। तो इसके आंसर भी देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 12 1.2 चले, अच्छा क्वेश्चन नंबर, इसके आंसर क्या है यार, इसके आंसर भी नहीं दिए गए हैं यार, इसका तो कॉस क्या है सब कुछ, तो ये इसका तरीका है। देखिए अब ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, इसकी जो और पार्ट्स है वो आपने खुद करने होंगे, उसमें भी कुछ नहीं है, आप देख ले, अगर कोई मसला हो तो बेशक आप हमको SMS और कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा और इस तरह ये ख़त्म हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी जो एक एक्सरसाइज का जो आखिरी टॉपिक है वो है कंपोजिट इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब देखिए इनवर्स ऑफ द फंक्शन है क्या, आप सबसे पहले इसको समझिएगा कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। चले अच्छा, अब इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले उसकी थोड़ी मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि देखिए वो फंक्शन, देखिए जब भी आप किसी फंक्शन को, आपको मैं इस तरह कुछ डायग्राम से आपको इसको समझा सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और ये उसने बी दे दिया। देखिए अब ये हमारे पास और वहाँ जो ए दे रहा, देखिए अब ए हमारे पास एक नंबर है, वो मैंने फंक्शन एफ को दिया, एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ला है, मशीन है, कोई भी ला, कोई भी मशीन को आप इसको फंक्शन कह सकते हैं। ए हमारे पास नंबर, इस एफ मशीन को दिया, उसने बी दिया। अब देखिए जब भी मैं दोबारा इसी मशीन को दूंगा तो वो दोबारा मुझे क्या दे रहा है, ए दे रहा है, तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। जब आप किसी मशीन को ए, जब भी किसी मशीन को, मैंने इस मशीन को ए दिया, ए क्या है, एक रियल नंबर है 1, 2, 3 ए बी सी, अब जो भी देते हैं, मैंने उसको दिया, इस मशीन ने मुझे क्या दिया, इस मशीन ने मुझे दिया बी। अब जब भी मैंने इसी मशीन को दोबारा दिया तो उसने मुझे क्या दिया, ए, तो ये हमारे पास एक इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ द फंक्शन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब इसकी जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। अच्छा जो पेज नंबर 8 पे जो एग्जांपल है आखिरी पर 3t-8 और ये इधर सॉल्यूशन है, ठीक है, तो पेज नंबर 9 पर इसकी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लेता देता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख लें कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t-8। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको इससे पहले जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ा करते थे उसमें इनवर्स ऑफ द फंक्शन को फाइंड करने के लिए 5 स्टेप थे। अब ये दो तरीकों से होता है, एक बुक का मेथड है और एक दूसरा मेथड है जो कि शॉर्टकट मेथड है जो कि आपको हेल्प देगा एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में आप यही स्टेप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बुक का जो तरीका है वो थोड़ा लेंथी है, लेंथी भी नहीं लेकिन थोड़ा टेक्निकल और इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अपनी तरीके से एनटी टेस्ट के जरिए से जो एनटी टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए इसकी जो सोल्यूशन का तरीका होगा, देखिए ठीक है, आप इसको स्टेप में डिवाइड करें। सबसे पहले इसका जो पहला स्टेप हो, आप इस तरह करें, ये जो जो फंक्शन दिया गया है इसको आप y के बराबर ले, y इज इक्वल टू 2t-8, ठीक है। अब देखिए स्टेप टू में आपने क्या करना होगा, स्टेप टू में देखिए आप इस तरह कर लीजिए, y और जो t की जो वैल्यू है आप ये y और t की जगह को इंटरचेंज करें, मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू 2y-8, ठीक है। अब देखिए आप इस तरह कर ले, इससे y की वैल्यू फाइंड कर ले, t प्लस 8
ये माइनस एट इस तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू टू वाई। ठीक है, अब टू पर इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, ये और ये कट जाएगा, टी प्लस एट डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वाई। मतलब क्या हुआ कि वाई इज इक्वल टू टी प्लस एट डिवाइडेड बाई टू, ये आपका इनवर्स हो गया। अब देखिए, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे ना, जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप जब दिया जाए कि फंक्शन दिया जाए कह रहा है कि इनवर्स फाइंड करें, जब कोई पेपर ना हो तो आप इस स्टेप से कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान तरीका है, क्या किया हमने, सबसे पहले इसी फंक्शन को मैंने y के बराबर लिया, फिर इसमें y y और t की जो जगह है इसको इंटरचेंज किया। मतलब क्या है कि t को y की जगह लिया और y को t की जगह, y को t की जगह लिख दिया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू वाई माइनस एट। अब यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड किया, तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए माइनस एट जब इस तरफ कर दिया तो ये प्लस एट, प्लस एट हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू टू वाई। अब टू वाई तो टू खत्म करने के लिए टू पर दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इसको एक कट जाता है, तो ये हमारे पास की इनवर्स आ गई। अब इस पे बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 मेरे ख्याल से इस पे है कि 13 क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देख ले। अब 13 को भी मैं एक पार्ट इसी तरीके से कर लूँगा। ठीक है, यही मैं जो मेथड है यही मेथड अप्लाई करके, या इस तरह करते हैं कि मैं अब बुक का जो तरीका है वो आपको बता रहा चलूँ। ठीक है, अब बुक का जो तरीका वो क्या है, देखिए इसी एग्जाम्पल को बुक की तरीके से करते हैं। ठीक है, अच्छा अब फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शंस। अच्छा, क्या है हमारे पास, वही एग्जाम्पल है लेकिन मैं कर रहा हूँ बुक की तरीके से, 3t माइनस एट। अब बुक का तरीका क्या है, देखिए बुक का तरीका ये है कि ये कह रहा है कि हमने क्या फाइंड सॉल्यूशन, देखिए ये कह रहा है कि हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप इस तरह कर ले, ये जो 3t माइनस एट इसको आप t की जगह लिखिए और इस और इक्वल के बाद t लिखिए। मतलब क्या है कि 3t माइनस एट इज इक्वल टू t। ठीक है भैया, इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये बता रहा है क्वेश्चन में कि आप इस तरह कर लेना कि इफ अगर आप सपोज कर ले कि 3t माइनस एट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल z है। हमने सपोज किया कि इफ 3t माइनस एट हमारे पास z के बराबर है। ठीक है, तो आप जहां पर भी 3t माइनस एट है वहां आप क्या पुट कर ले, z पुट कर ले इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसको आप 1 दे दे। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ क्योंकि यहां से फिर हमने t की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, एफ इनवर्स, अब जहां पर 3t माइनस एट है वहां क्या लिखे, z लिखे इज इक्वल टू t। अच्छा, अब आप इस तरह कर ले, इससे इस इक्वेशन से इससे आप t की वैल्यू फाइंड कर ले, तो t की वैल्यू इससे फाइंड करते हैं, 3t इज इक्वल टू एट इस तरफ हो जाएगा, z प्लस एट हो जाएगा, 3 पर इसको भी डिवाइड कर दो, इसके ऊपर ये कट जाएगा, t इज इक्वल टू z प्लस एट डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए जहां पर भी आपको t नजर आए वहां z प्लस एट पुट कर ले। ठीक है, तो यहां पर देखना इस इक्वेशन में, ठीक है इक्वेशन नंबर आप इसको 2 दे दें। ठीक है, अब एफ इनवर्स ऑफ z, अच्छा z इज इक्वल, ठीक है जगह क्या पुट कर ले, z प्लस एट डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये जो इसका एक, अच्छा ये इसका इनवर्स आ गया। लेकिन अब याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन किस चीज में है, एफ ऑफ टी है लेकिन एफ ऑफ जेड है, तो आप इस तरह कर ले कि जेड को रिप्लेस कर दे टी से, रिप्लेस जेड बाई टी। तो आप इस तरह इसको भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू, जहां पर भी जेड है आप टी फुट कर ले डिवाइडेड 3, तो ये इसका इनवर्स फाइंड हो गया। अब ये जो वैल्यू है और इससे पहले जो मैंने वैल्यू फाइंड की दोनों सेम थी। ठीक है, इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्सरसाइज की भी एक क्वेश्चन में कर लेता हूँ, इससे इसी तरीके से मैं बुक के मेथड से एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। चलिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन है, चलिए मैं 5 नंबर को लेता हूँ कि क्या, चलिए जो ए पार्ट है 13 में ए पार्ट, ठीक है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए जो लोग हमारे मेरे तरीके से कर रहे हैं, जो इंटरटेस्ट की तरीके से कर रहे हैं, वो सबसे पहले वो तीन स्टेप याद रखेगा कि तीन स्टेप क्या है, कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन में थ्री स्टेप है क्या। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा हूँ, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हमने कहा कि इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 5 की जगह और इक्वल टू लिखेंगे किसकी, एक्स की। ठीक है, फिर हमने कहा कि लेट सपोज भी आप सकते लिख सकते हैं, या इफ अगर एक्स प्लस 5 हमारे पास बराबर हो जाए जेड की, आप जेड दे दे, जी दे दे, बी दे दे, लेकिन एक्स ना दे। ठीक है, ये हमारे पास जेड के बराबर हो गया। तो देखिए जहां पर इस इक्वेशन में, जहां भी आपको इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे, जहां भी इस इक्वेशन में आपको जेड प्लस एक्स प्लस 5 आ जाए वहां जेड कर ले। ठीक है, पुट कर लेंगे, थोड़ा नीचे आ जाए क्योंकि यहां से फिर हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा एफ इनवर्स ऑफ, जहां इस इक्वेशन में जहां आपको एक्स प्लस 5 नजर आ जाए उस वहां जेड पुट कर ले।
जेड इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसी इक्वेशन से आप इस तरह कर लेना, इससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले। एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव, ये प्लस है, इस तरफ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू है। अब देखिए, अब यहां पर जहां पर एक्स है, जहां पर एक्स है आप वहां पर इक्वेशन नंबर टू की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर एक्स है वहां पर आप क्या पुट कर ले, ये पुट कर ले एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव, ठीक है जी। एफ इनवर्स ये तो जेड है लेकिन एक्स तो ये साइड है ना, तो जेड माइनस फाइव, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए क्वेश्चन को देखिए, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहां एफ इनवर्स जेड है, अब क्या कर ले, रिप्लेस कर ले ना इसी इक्वेशन को, आप इस तरह कर ले, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे दे। अच्छा रिप्लेस जेड बाय एक्स, आप एक्स को जेड की जगह आप एक्स पुट कर ले क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, तो ये इसका इनवर्स हो गया। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको सोचना चाहिए बस कि किस तरह इसको करते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं जो इंट्रोड्यूस का जो शॉर्टकट तरीका है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ठीक हो गया। अच्छा मैंने कहा कि आपने तीन स्टेप याद रखे होंगे। अच्छा स्टेप जो वन है वो क्या है, आप इसको वाई के बराबर ले ले, ठीक है बिल्कुल ले लिया। चले स्टेप टू क्या है, आप इस तरह कर ले कि y और x की जगह इंटरचेंज कर ले, जगह को चेंज कर ले, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू y प्लस फाइव, ठीक है जी। अब स्टेप थ्री क्या है, अब स्टेप थ्री हमारे पास ये है कि आप इससे, तो ये तो हमारे पास y इज इक्वल टू, अच्छा स्टेप में हमने y के बराबर ले लिया, ठीक है, फिर x को हमने लिया, ठीक है। अच्छा अब आप इस तरह कर लें, यहाँ से स्टेप जो थ्री होगा वो आप इस तरह कर लें कि आप इससे y की वैल्यू, इसी क्वेश्चन से आप y की वैल्यू फाइंड कर ले। तो x ये प्लस फाइव है, तो प्लस फाइव जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस फाइव इज इक्वल टू हमारे पास y। अच्छा y इज इक्वल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस फाइव। अब देखिए मैंने जो तरीका यहाँ अप्लाई किया ये तकरीबन तीन दो तीन स्टेप में हो गया। अच्छा ये वाला आंसर, ये वाला आंसर ठीक है, ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स यही आंसर दे रहा है, ये भी यही आंसर दे रहा है, मतलब आंसर में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो मेथड है आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन में हमने करना क्या होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो गया। इसमें दो पार्ट, तीन पार्ट्स रह गए हैं, मैंने एग्जांपल भी कर दिया, एक क्वेश्चन भी इस पर कर लिया, लेकिन इसकी जो बाकी तीन पार्ट है वो आपने करने होंगे। और अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन का मसला हो तो बेशक आप हमको कमेंट्स कर सकते